मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई दे विच होई पंजाब कैबिनेट की पहली मीटिंग। सो बीते दिन ही पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई दे विच कैबिनेट की पहली बैठक हुई। मंत्रिमंडल वालों वख-वख गरीब पक्षी उपरालिया ते विचार वटांदरा बीते दिन किया गया। महात्मा गांधी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तो गरीब पक्षी स्कीम का आगाज जड़ा है किया जाएगा, जिसनों लैके फैसला किया गया। कैबिनेट की मीटिंग में SCBC के BPL खपतकारा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना भी बनाई गई है। मीटिंग दौरान रेत ते ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने बारे चर्चा की गई। दस दिए कि कैबिनेट वालों शहरी विकास विभाग को कमजोर वर्गों लिए 32,000 घर का निर्माण करने की हदायत दी गई है। इसके अलावा पेंडू जल सप्लाई स्कीम अधीन चल रहे ट्यूबवैलों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने पर भी चर्चा हुई। शहरी खेतरों के खपतकारों को घरेलू पानी और सीवरेज दरों को राहत देने पर भी विचार वटांदरा बीते दिन की कैबिनेट मीटिंग में किया गया। तो देर रात तक पंजाब कैबिनेट की मीटिंग चली, जिस में कई अहम फैसले जोड़े ने लए गए ने। नवे बड़े मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की अगुवाई पंजाब कैबिनेट की पहली मीटिंग सी। मंत्रिमंडल वालों वख-वख गरीब पक्षी उपरालिया से विचार वटांदरा जोड़ा है वह किया गया। दस दिए कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तो गरीब पक्षी स्कीम का आगाज करने का फैसला जोड़ा है वह कैबिनेट वालों किया गया। SCBC ते BPL खपतकारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी जोड़ा है फैसला किया गया। अमन दे नाल गल करते हैं। अमन, जिस नाल नवे बने मुख्यमंत्री की अगुवाई दे विच पहली कैबिनेट की मीटिंग सी जिहड़ी देर रात चली, लेकिन कई तरह दी गरीब पक्षी स्कीमां ते विचार वटांदरा किया गया, लेकिन अहम गल होने वाली है कि किस तरह दे नाल लागू होणगियां और किस तरह दे नाल मिथे समय दे विच इसनूं अमलीजामा पहनाया जाएगा। बिल्कुल राधा, यही वड्डा सवाल है। और जिस हिसाब से सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि पहले दिन मुख्यमंत्री ने देर रात तक 12 बजे तक गरीबों के हक च फैसले ले, यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश है। और दूजा फैसला यह सीगा, तो दूजा इस कैबिनेट तो पहला जो डिसीजन आया कि 9 बजे समय निर्धारित किया गया है। सब डीसीज नु हुक्म हो गए ने कि 9 बजे अधिकारियों का आना इतने तय दफ्तर। और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी कह रहे हैं कि मंत्री भी 9 बजे आन, लेकिन जो इस सब दे विच जो कैबिनेट दे डिसीजन है ये जो ऐलाने गए ने, तुसी देखो ये सारे कितने कितने प्रैक्टिकल रूप च किवें पॉसिबल होंगे, ये वड्डा सवाल है। ये चीजा सारिया असीं सुनदे आ रहे हैं कि चोणां दे लई कीते गए ऐलान वध लग रहे ने, ना कि पंजाब दे कैबिनेट दे जिहड़े डिसीजन ने लोकां लई उह घट। और उत्थे ही 4.5 साल पंजाब मंत्री सी चरणजीत चन्नी, तां ओह किन्नी क बार 9 बजे दफ्तर आए, ये भी असीं साफ तौर ते देखिया है किन्ने सैटरडे संडे उन्होंने सैक्रेटरीएट लगाए ने। 4.5 साल च मंत्री साहब खुद अपने डिपार्टमेंट चो गायब रहिंदे सी, उन्हां नूं घर जा के लभणा पैंदा सी, लेकिन ओह खुद लई उन्होंने किन्नी किसदी इंप्लीमेंटेशन कीती है। अज जो कैबिनेट दा हिस्सा भी ने OP सोनी, असीं लगातार देखिया कि टीचरां ने धरने ते धरना दित्ता, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सैकटरी थे उन्होंने तलखी तक OP सोनी की देखी गई। सुखजिंदर रंधावा की गल कर लो, सुखजिंदर रंधावा ने अपने डिपार्टमेंट के हुण तक किन्ने काम सवारे, जेलों का की हाल है, किन्नी गैंगवर उत्थे हुई, किन्ने फोन लभे वह देखे, 9 बजे किन्ना कोई सैक्रेट आंदा है जो हुक्म जारी हुए ने वह साफ तौर पर देखे गया। और इनू प्रो पुअर इनिशिएटिव कहा जा रहा है, मतलब दो जो ये ऐलान किए गए ने 2 तरीक तो शुरू हो गए, और कितने ना कि बदलिया जाएगा उस नूं लेके देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि समा बहुत थोड़ा है। तकरीबन 100 दिन होने वाले ने नवे जिहड़ा है मंत्रिमंडल हुण बनन जा रहा है, कई फेरबदल होणगे अपने अपने विभाग दे विच, फिर किस तरह दे नाल काम होणगे, कितनी तेजी दे नाल होणगे या सिर्फ वादे जिक्र करिए सुंदर शाम अरोड़ा, इन्हों की छुट्टी होनी तय है, तकरीबन चर्चा हुई है। और उस तो अलावा राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, इन्हों बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, धर्मसोत नू बाहर दिखाया जाएगा रास्ता, नवी एंट्री की जाएगी। प्रगट सिंह, संगत सिंह गिलजियां, तुसी देखो कि राजा वड़िंग दा नाम अगे है, और 3 तो 4 मंत्री जिहड़े बदले जाणगे, और 3 तो 4 मंत्री कैप्टन खेमे दे
क्योंकि ये कितने ना कितने ये भी चर्चा की गई कि केड़े वो मंत्री ने जो कैप्टन खेमे दे ने और जिन्होंने विभाग च कम नहीं होया, सुंदर शाम अरोड़ा से इल्जाम बार बार लगते रहे कि करप्शन दे तमाम घोटालों के इल्जाम लगते रहे, साधु सिंह धर्मसोत से वो विभाग ने और कैप्टन खेमे दे मने जाते हैं, उन्होंने विभाग की कितने ना कि उन्होंने ठिकरा फोड़ के कि विभाग ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने दोष है क्योंकि बार बार यह कहना कि जो मंत्री जिन्होंने करप्शन के चार्जिज है या जो माफियाज ने मंत्री उन्होंने बार बार रास्ता दिखाया जाएगा और वही कैप्टन खेमे के जड़े हैं उन्होंने बार का रास्ता हूँ दिखाया जाएगा और चार तो पांच मंत्री जो नवे कैबिनेट चेहरे देखने को मिलेंगे उन्होंने नाम की भी कितने ना कि चर्चा हुई है और हाईकमान में अज दिन हाईकमान में वो सूची भेजी जाएगी, चर्चा उस बाबत की जाएगी। हालांकि हाईकमांड कांग्रेस की सारी शिमला बैठी है अपने फार्म हाउस से, क्या उतों चर्चा की जाएगी बिल्कुल देखना अहम होएगा और की कुछ बदलाव होंगे ने और किस तरह फिर अगे काम होंगे जिहे डिपार्टमेंट देखना भी अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन फिलहाल की सारी जानकारी लिए। सो देर रात जुड़ी है एक कैबिनेट की पहली मीटिंग चली जिस नवे बड़े मुख्यमंत्री की अगुवाई के जबकि सीएम तमाम जोड़े मंत्रिमंडल के लोग ने कैबिनेट के जोड़े आगू ने वो मौजूद रहे।